ओम शांति। आज हम जिस विषय पे चिंतन करेंगे वो है हमारे जो चार सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों का आपस में संतुलन। कल्पना करें जैसे एक मकान है और उसके चार पिलर्स हैं। अगर उसमें से एक भी पिलर ना हो तो बाकी के बचे हुए जो तीन हैं वो भी शक्तिशाली नहीं रह सकते हैं। या जैसे गाड़ी है, गाड़ी के पहिए हैं, उसमें से अगर एक भी पहिया नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसी प्रकार स्व उन्नति के मार्ग पर हम आत्माओं को, हम ब्राह्मण आत्माओं को अपने चारों विषयों में संतुलन बना के चलना अति आवश्यक है। जैसे कभी कभी होता है कि अगर योग में हमारी रुचि बहुत ज्यादा है तो ज्ञान से हमारी रुचि कम होने लगती है। अगर ज्ञान में हम ज्यादा रुचि लेते हैं और योग हम नहीं करते हैं या योग में हम कच्चे रहते हैं तो ज्ञान समझ में तो आता है, ज्ञान में रुचि आती है, ज्ञान समझ में भी आता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर समाता नहीं है। हम ज्ञान स्वरूप नहीं मानते हैं, माना जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो वो ज्ञान आपको याद नहीं आएगा, अर्थात शक्ति स्वरूप नहीं बनेगा। जैसे ज्ञान के लिए कहते हैं ना अस्त्र और शस्त्र कहते हैं। ज्ञान मुझात्मा का श्रृंगार है, मुझात्मा को बाबा रोज ज्ञान से श्रृंगार कर रहे हैं, मुझे अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं, मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। तो अगर मैं ज्ञान को इंटरेस्ट के बेस पे पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि मैं समझ भी रही हूँ, लेकिन बिना योग के वो ज्ञान आत्मसात नहीं होगा, मेरे भीतर समाएगा नहीं, और आवश्यकता जब पड़ेगी, परिस्थिति जब आएगी तो वो ज्ञान मुझे याद ही नहीं आएगा। याद वही आएगा जो मेरे संस्कार हैं, वैसा ही मैं रिएक्ट करूंगी। तो इसी तरह हमें समझना है कि ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं, जैसे भाई बहन समझो तो दोनों एक दूसरे को इसमें सपोर्ट करते हैं। जैसे अगर योग हमारा अच्छा हमें करना है तो उसमें हमें ज्ञान की अति आवश्यकता है, ज्ञान से हमें जो श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं उससे योग हमारा अच्छा होता है। इसी तरह धारणा है, धारणा में हम ये समझते हैं कि हमने बाज़ार का खाना खाना बंद कर दिया है, हम सात्विक भोजन खाते हैं तो धारणा हमारी हो गई, या हम प्योरिटी का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो हमारी धारणा हो गई। धारणा का सब्जेक्ट ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। इस ज्ञान का जो उद्देश्य है वो चरित्र निर्माण है। जब हम सत्युग में होंगे तब ना तो हमारे साथ योग जाएगा, ना ही ज्ञान जाएगा, ना ही हम वहाँ सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम धारणाएं बनाएंगे, जो संस्कारों का निर्माण करेंगे, वो संस्कार चरित्र के रूप में हमारे पास वहाँ होंगे। मुख्य रूप से जो धारणा है वो है दिव्य गुणों की धारणा। ये हमारा सब्जेक्ट है जिसपे हमें अटेंशन देना चाहिए। जैसे अगर वस्त्र की बात है तो भाव ये नहीं है कि हमने सफ़ेद पहनना शुरू कर दिया, सफ़ेदी भाव नहीं है, भाव है सिंप्लिसिटी, कि हम अपने जीवन में सिंप्लिसिटी को अपनाएं। जिस तरह से हम अपने लिए जो भी कपड़ों का चुनाव करते हैं, जो रंग पहनते हैं, जिस तरह से बाल बनाते हैं, जो भी साज श्रृंगार करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का जो देह अभिमान है वो नहीं आना चाहिए, जिससे कि ये डिससर्विस ना हो, क्योंकि सारी दुनिया में देह अभिमान का बीज है। और हमें क्या करना है, हमें तो देह अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है, और उसी का बीज हमें संसार में डालना है, तो ये हमें ध्यान रखना। इसी तरह से सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हमने सात्विक भोजन किया, बाजार का गंदा भोजन खाना बंद कर दिया, मुख्य बात है संतुष्टता,
और हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे सात्विक पवित्र भोजन तो हम बाबा की भंडारी में भी खाते हैं, लेकिन जब हम उस भोजन को खाते हैं तो क्या हमें लालच नहीं आता है? हम चेक करें, हम सभी जानते हैं, हम सभी देखते हैं, जब हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे खीर अच्छी लगती है, तो हम ये संकल्प नहीं करते कि किसी को कम तो नहीं पड़ेगी, बल्कि हम एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार, चार बार भी गिलासों में भर भर कर खीर या जो भी हमें पसंद आता है वो हम खाते हैं। तो क्या ये भोजन की धारणा हुई? ये हमें चेक करना है। भोजन की धारणा माने जो भी आपकी प्लेट में सात्विक पवित्र भोजन है उसे आपने संतुष्ट होकर खाया, संतुष्टता से खाया, प्यार से खाया, आपका उद्देश्य पूरा हुआ। ऐसे नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, माने भोजन सात्विक है लेकिन लालच जो लोभ है वो साथ में बना हुआ है, तो ये धारणा नहीं हुई। इसी तरह से ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य केवल एक पहला कदम है, क्योंकि इसके बिना तो, भोजन के बिना और पवित्रता के बिना तो योगिक स्थिति बननी ही नहीं सकती है, वो भोगी जीवन होता है, वो पहला स्टेप है। तो केवल यहाँ तक नहीं, लेकिन मुझात्मा का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य से मुझे क्या प्राप्ति है, पवित्रता में क्या सुख है, क्या आनंद है, और पवित्रता की जो महानता है, पवित्रता की जो श्रेष्ठता है, उसको अपने जीवन में लाने का मेरा उद्देश्य हो। अगर उद्देश्य नहीं है तो जो भी हम ये नियमों का पालन करते हैं, सारे दिन में जो दिनचर्या फॉलो करते हैं, वो जैसे कि एक कर्म कांड के जैसे है। अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे योग क्यों करना है, मुझे योग में कौन सी स्थिति बनानी है, मुझे बनना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, अगर ये मुझे स्पष्ट होता है तो फिर मेरी धारणाएं योग में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। अगर हमारा धारणा का सब्जेक्ट मजबूत है तो योग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, योग हमारा शक्तिशाली होता है, योग पे अटेंशन स्वतः ही रहता है। अगर हमारी धारणाएं अच्छी नहीं हैं, दिव्य गुणों की धारणा, तो क्या होता है, हमारा जो योग है वो हमेशा हमारा उस पर अटेंशन नहीं रह सकता है। तो धारणाएं विज्ञान की रचना है, बाबा कहते हैं ना योग विज्ञान है, तो विज्ञान की रचना है, क्रिएशन है, जिससे हमारे संस्कार बनते हैं। फिर सेवा क्या है, फिर उन धारणाओं के साथ, संस्कारों के साथ जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण या सेवा, उसे हम सेवा कहते हैं, जो हमारे तीनों सिडिस के बाद जो संस्कार हमारे व्यवहार में आते हैं, हमारे आचरण में आते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम अपनी धारणाओं से ही पूज्य स्वरूप में आते हैं, पूज्य स्वरूप बनते हैं। तो हमें चारों ही विषयों को साथ लेकर चलना है, बराबर ध्यान देना है, इसमें संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम जो स्वोन्नति के मार्ग पर अच्छी तरह अग्रसर रह सकते हैं। ओम शांति।